के ध्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बच्चों, नए साल के मौके पर आज मैं आपको नए साल से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताऊंगा। बच्चों, नए साल को काफी लोग बदलाव, नई ऊर्जा और नई उम्मीदों की शुरुआत के रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे विश्व में नया साल 1 जनवरी को ही मनाया जाता है। कई देशों में उनकी परंपरा और संस्कृति के अनुसार उनके अपने कैलेंडर भी होते हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत मानी जाती है। विश्व के अधिकांश देश भले ही अपने कैलेंडर के अनुसार नए साल का उत्सव मनाते हों, पर वो अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल यानी 1 जनवरी को भी बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। बच्चों, नया साल न केवल एक नई शुरुआत लेकर आता है, बल्कि यह हमें हमेशा आगे बढ़ने की भी सीख देता है। पुराने साल में हमने जो भी किया, सीखा, सफल या असफल हुए, उससे सीख लेकर एक नई उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। नया साल हमें यह भी सीख देता है कि पुराने साल के बीतने पर जैसे हम दुखी न होकर नए साल का स्वागत उत्साह और खुशी के साथ करते हैं, वैसे ही जीवन में भी बीते हुए समय को लेकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि जो बीत गया उसके बारे में चिंता करने की बजाय आने वाले अवसरों का स्वागत करना चाहिए। प्यारे बच्चों, नए साल की तैयारी लोग पहले से ही शुरू कर देते हैं और 31 दिसंबर की रात को लोग इकट्ठा होकर नए साल को सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। रात में 12 बजते ही सभी एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो नया साल हमें अपने सगे संबंधियों और मित्रों को और निकट लाने का भी एक बहाना होता है, क्योंकि इस दिन लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और नए साल का स्वागत करते हुए नई उम्मीदों की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि यह साल आपके सभी सपनों को साकार करने वाला होगा। आप सुनते रहिए किड्यान सपनों की उड़ान।